हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज हर्षित एंड यू वाचिंग टेक एंड। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉटवेयर जो कि एप्स हैं होते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो आप कैसे हटा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से उसे क्लीन अप कर सकते हैं, ताकि आप अपने स्मार्टफोन को जो कि आपने नया नया खरीदा है उसे बेकार ना जाने दें और उसे यूज़ कर सकें। दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके सो यस गाइस, वी आर हियर ऑन द स्मार्टफोन। दोस्तों हम अब जा रहे हैं कि कैसे आप इसे रिमूव करेंगे। तो दोस्तों पहला स्टेज तो ये है कि पहले आप उस ऐप को ढूंढिए जो ब्लॉटवेयर है, जो हिस्सा कि मेरे फ़ोन में आया था ये FM रेडियो, और भी मैंने इसे हटाया है तो FM रेडियो भी बचा हुआ है, तो FM रेडियो को हम रिमूव करके देखते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये ब्लॉटवेयर कैसे है, इसे आप कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद ऐप इन्फो पे जाना है। उस ऐप इन्फो पे जाकर देखेंगे तो इसमें कोई भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। तो आप देख सकते हैं कोई भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो उससे आप इसे हटाने का बहुत अच्छा तरीका दोस्तों, आप सिंपली ये जो डिसेबल बटन है जो कि यहाँ पे है, तो उसे आप क्लिक कर दीजिए डिसेबल पे। और डिसेबल पर क्लिक करने के बाद आपको आएगा इफ़ यू डिसेबल दिस ऐप अदर माई अदर ऐप में नो लॉन्गर फंक्शन एज इंडीड। तो दोस्तों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वार्निंग देना चाह रहा है कि आप जो इस ऐप को अगर इंस्टॉल करते हैं तो इससे जुड़े हुए जो भी ऐप हैं वो नहीं चल पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है FM का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या करिए, इस पर डिसेबल ऐप क्लिक करिए और देन दैट्स डन। ये दोस्तों ये हो गया और आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, ये हो चुका है डिसेबल। तो मैं आपको पहले कट करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद देखेंगे FM रेडियो कहाँ पे है। तो ऐप देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐप ख़त्म हो गया और यहाँ पे FM रेडियो दोस्तों ऐप में पूरे लिस्ट में मेरे नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट से ख़त्म, क्योंकि दोस्तों ये ऐप अब इसमें डिसेबल हो चुका है। हालांकि इसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन आप इसे डिसेबल कर सकते हैं जिसकी वजह से फंक्शन नहीं रहेगा। अगर आपको दोस्तों इस ऐप को वापस लाना है तो आप सिंपली जाइए सेटिंग्स में और जाइए ऐप में। ऐप में जाने के बाद दोस्तों आपको उस ऐप को ढूंढना है जो कि FM रेडियो जैसा कि था, तो उसे हम ढूंढते हैं कहाँ गया वो। तो ये रहा FM रेडियो और जैसा कि दिखा रहा है डिसेबल्ड, तो आप इस पर क्लिक करिए सिंपली और डिसेबल के बाद आप इसे इनेबल कर दीजिए। और इनेबल करने के बाद ये फिर से इनेबल हो चुका है। अब फिर से जाएंगे हम देखेंगे कि इनेबल हुआ है कि नहीं, तो ये रहा वो FM रेडियो और ये इनेबल हो गया वापस उसी तरह। दोस्तों इस तरह आप ब्लॉटवेयर को हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ वीडियो और आप इसे लाइक कर सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें भी बताएं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉटवेयर को हटाने में तो हम आपकी बहुत ही हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं टेक इन ऑल्स।